उत्तर प्रदेश में कामगारों के लिए कांग्रेस की बसों को लेकर खूब लेटर पॉलिटिक्स हुई और अब ये थाने तक पहुंच गई है। यूपी कांग्रेस के 20 से ज्यादा नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महासचिव प्रियंका गांधी के 1000 बसों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर मौजूदा मुसीबत को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कामगारों की मुसीबत जल्द हल होगी और वो अपने घर पहुंच सकेंगे। लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी मिले एक दिन भी नहीं बीता था कि सियासी दलों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जी हां, मौजूदा मुसीबत से पार पाने की जद्दोजहद के बीच बसों पर विवाद गहराता जा रहा है। नोएडा में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक समेत 20 से ज्यादा लोगों पर पूर्णबंदी के नियमों को तोड़ने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि कांग्रेस नेता देर रात तक बसों के पास ही जमा थे। पुलिस अधिकारियों की माने तो फिलहाल वो बसों की जाँच कर रहे हैं और जाँच के बाद ही इन बसों को हरी झंडी दी जा सकती है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इन सब के बीच प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कल सुबह से बसों के साथ बॉर्डर पर खड़े हैं। हमें नोएडा गाजियाबाद की ओर जाने पर रोका गया है, साथ ही आगरा बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने हमें रोक लिया है और पुलिस ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू के साथ दुर्व्यवहार किया। आज शाम 4 बजे तक हम यहीं डटे रहेंगे। अभी भी नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे 100 बसें खड़ी हैं, जिनकी जांच नोएडा पुलिस कर रही है। वहीं आगरा भरतपुर बॉर्डर पर करीब 300 बसें खड़ी हैं, जिसे आगरा प्रशासन उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दे रही है। यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष तो सियासी अखाड़े में नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन कामगारों पर ये सियासत शुरू हुई है वो अभी भी पैदल ही रास्ता तय कर रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।